हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के नए और एक्साइटेड वीडियो में। इस वीडियो में हम बताऊंगा कि सशस्त्र सीमा बल यानी भारत की जान के लिए वाली पूर्व सशस्त्र सीमा बल में आपकी जो वैकेंसी बढ़ने वाले बम्फर वैकेंसी निकलने वाली हैं, इसके लिए आप SC ST और OBC कोई भी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है। इसमें फीमेल के लिए भी वैकेंसी है, सब बताएंगे। तो पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है गवर्नमेंट जॉब सेंटर। इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए और सामने जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन अगर नहीं दबाए देंगे नहीं आपके साथ जितने भी नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, तो प्लीज़ बेल आइकन भी इसको दबा लीजिए। इसके बाद करते हैं सशस्त्र सीमा बल की। इसमें जो आपको वैकेंसी मिलेगा हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल की मिलेगा, और हेड कॉन्स्टेबल में आपको लगभग 1500 पोस्ट मिलेंगे। हेड कॉन्स्टेबल में 1500 पोस्ट, जिसमें लगभग 1200 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए और 300 पोस्ट 300 पोस्ट और 300 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए 300 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें वैकेंसी मिलेगी। और इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो अगर आपकी जानता चाहते एज लिमिट की बात करें तो इस बार जो आपकी जो एज लिमिट मिलेगा इस बार जो आपकी एज लिमिट होगा दोस्तों लगभग 18 से लेकर 25 साल कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। भारत के कोई भी कैंडिडेट 18 से 25 साल है ऑल इंडिया में तो इसको अप्लाई कर सकता है। जिसमें ST कास्ट के लिए इसमें ST के लिए ज़्यादा आरक्षण की इसमें सरकार ST को बात करें ST को लगभग 5 साल की छूट मिलेगा, और SC को भी इसमें 5 साल की छूट देने की व्यवस्था है, और OBC के लिए 3 साल, और जनरल के जानते हैं 18 से लेकर 23 साल। दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए वो फीमेल के लिए 157 फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और मेल के लिए 170। और इसके अगर एग्जाम की बात कहें तो पहले इसकी एग्जाम होगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम पहले नहीं हो तो पहले देखा जाए तो फिजिकल होता है, लेकिन इस बार एग्जाम होगा। पहले एग्जाम 100 क्वेश्चन की एग्जाम होगा, जिसमें जिसमें सब GK के 25 क्वेश्चन आएंगे, GK के 25, मैथ के 25 और रीजनिंग के 25 और जो आएंगे एरिथमेटिक के 25 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपकी है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें हाइट में तो SF 70 है, इसके लिए 50% आरक्षण की इसके लिए प्रावधान है। इसमें फीमेल के लिए 50% आरक्षण है, क्योंकि फीमेल RPF एग्जाम में भी आप देखा कि फीमेल के लिए 50% आरक्षण लागू है, इसलिए SSB में भी 50% आरक्षण लागू है। दोस्तों इसमें जल्द ही जल्द इसमें एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, जैसे ही आप SSB के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो पहले इस होम बटन को प्रेस कीजिए तो आप नोटिफिकेशन भी निकल चुका है, प्रेस रिलीज भी निकल चुका है, तो आप सब देख सकेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसा जब दिखेगा तो कोई ऐसा दिखेगा ऐसा दिखेगा तो प्रेस रिलीज भी हो गया है, क्योंकि जल्दी ही जल्दी इसका
ये देखिए दोस्तों, यहाँ प्रेस कीजिएगा। अब यहाँ प्रेस कर लीजिएगा तो इस प्रेस लिस्ट देखिए दोस्तों, ये निकल चुका है। नई दिल्ली 11 जनवरी 2019 श्रीयुक्त कुमार रंजन चंद्र टुक्त ओवर द कैप्टन ऑफ सीमा बल रिगार्डिंग द सुरजीत सिंह दसवाल IPS टुडे 11 जनवरी। इसलिए नए बिहार बैच की IPS ऑफिसर नियुक्ति, इसीलिए आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगभग अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन भी निकल चुका है अप्रैल 5 तारीख से इसके ऑनलाइन चालू हो गया, जिसकी ऑनलाइन मई के 5 तारीख से ऑफलाइन रहेगी। इसके लिए आपको मेल SC ST कैंडिडेट के लिए, इसमें SC ST कैंडिडेट को कोई भी पैसा नहीं देना है, 0 रुपये देना होगा। और अगर बात की जाए SC ST और वुमेन कैंडिडेट में, इसमें कोई पैसे नहीं देंगे। और मेल कैंडिडेट की बात करें OBC और जनरल को, इसमें लगभग 100 रुपये चार्ज लेंगे। अगर 100 रुपये दे देंगे तो इसकी आप ऑनलाइन कर सकेंगे, तो जल्दी जल्दी इसकी वैकेंसी शुरू होने वाली है। तो अगर आप ऐसे ही जॉब रिलेटेड न्यूज जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है एक नया वीडियो बनाने, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सामने जो बेल आइकन है, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाएंगे तो जितनी भी सारी नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड, जितनी भी सारी नोटिफिकेशन में आपको पल पल की जानकारी, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, कोई भी जॉब हो, उसकी हम जानकारी इस चैनल लेकर देते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर का सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।